हेलो डियर स्टूडेंट्स क्लास नाइन साइंस के चैप्टर करेंगे क्वेश्चन टू में क्या पूछा है तो क्वेश्चन में दिया हुआ है अंडर वीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड आपको बोल रहा है कि ऐसे कौन से कंडीशन है जब किसी भी ऑब्जेक्ट का एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगा मैग्नीट्यूड यानी कि क्वांटिटी यानी कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल कब हो सकता है तो इसका पहले मैं आपको एक्सप्लेनेशन देख देता हूं देखिए स्पीड क्या होता है स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम ठीक है और वहीं अगर वेलोसिटी की बात करें तो वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वैसे तो एस से रिप्रेजेंट किया जाता है मैं यहां भी एस लिख लेता हूं ये होता है एस अपॉन टी डिस्टेंस अपॉन टाइम और ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं एक बार फिर भी मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं वैसे तो पूरे चैप्टर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया ही है अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां से शुरू होके इस तरीके से घूम के घूम फिर के वापस यहां तक आके रुक जाता है तो ये हो गया उसका डिस्टेंस अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो यहां से लेकर यहां तक के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा यानी कि ये ये होगा डिस्प्लेसमेंट ठीक है तो स्पीड और वेलोसिटी में यही फर्क होता है कि स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम है है और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम तो अब ऐसा कौन सा कंडीशन होगा जब किसी कि, किसी ऑब्जेक्ट में ऐसा कौन सा कंडीशन होगा जब दोनों के दोनों एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड जो है वो इक्वल हो जाए बराबर हो जाए तो देखिए ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों का जो डिस्टेंस है और आ, किसी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है ये दोनों अगर बराबर हो और एक ही डायरेक्शन में चल रहा हो तभी ये पॉसिबल है कि वो जो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड है वो बराबर आएगा मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहां से शुरू कर रहा है और ये यहां से जाके स्ट्रेट जा रहा है यहां तक का ऐसे करके यहां पर पहुंच गया ठीक है तो इस कंडीशन में हो क्या रहा है इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया यहां से लेकर यहां तक मान लीजिए इसने फाइव किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है ठीक है और इसने अगर डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया होगा तो डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहां से यहां तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो भी फाइव किलोमीटर होगा तो इस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आ रहा है और टाइम भी सेम होगा तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम लाइन पे चल रहा हो यानी कि स्ट्रेट पाथ पे चल रहा हो और तो हम ये बोल सकते हैं कि उसका जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो सेम होगा और अगर डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आ जाए तो उसका जो वेलोसिटी है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों ही बराबर होगा ठीक है तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है आंसर में भी वही लिखा हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड ऑब्जेक्ट मूवस इन ए स्ट्रेट लाइन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन किसी भी एक डायरेक्शन में अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट मूव हो रहा है तो उसका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों बराबर होगा ठीक तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर टू ऑफ पेज नंबर सेवेंटी सिक्स नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा